हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज 24 अप्रैल 2022 को जो जे का पेपर हुआ था कोड 393 का हम उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखेंगे यहां पर सीरीज़ हमने ए सीरीज़ ली गई है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें सारे कंप्यूटर्स के ऑल क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन है डेसीमल नंबर सिस्टम हैज़ डैश डिजिट जो डेसीमल सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस होता है टेन तो ऑप्शन जो हमारे पास सही होगा वो होगा ए टेन चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड द वैल्यू ऑफ वन जीरो वन जीरो बेस टू इन डेसिमल नंबर सिस्टम इज अगर इस बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका जो ऑप्शन आता है हमारे पास सही आंसर है वो आता है टेन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड हेक्सा डेसीमल नंबर हैक्सा डेसीमल नंबर जैसे बाइनरी नंबर है उसी तरीके से एक्सा डेसीमल ज़ीरो टू नाइन और ए टू एफ होता है तो यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर जो बी है वो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री क्योंकि जी एक्सा डेसीमल रेंज में नहीं आता नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर अ बाइनरी नंबर कैन भी ईजिली कन्वर्टेड टू इक्वलेंट हेक्सा डेसीमल नंबर बाय फॉर्मिंग ग्रुप ऑफ डैश सक्सेसिव बेट्स स्टार्टिंग फ्राम एल एस बी जो बाइनरी नंबर है हम उसको ईजीली कन्वर्टेड करते हैं एक्सा डेसीमल नंबर में बाई ग्रुपिंग ऑफ फोर वन टू फोर एट इस तरीके से हम चार चार के ग्रुप बनाते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए फोर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव वट डज एम एस बी मीन्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम क्वेश्चन नंबर फाइव का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट इज द डिफॉल्ट टैक्स अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड एमएस वर्ड में जो डिफॉल्ट टैक्स अलाइनमेंट रहता है वो रहता है लेफ्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज टू फाइंड सोनोनियम्स ऑफ अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट एम एस वर्ड में सोनोनियम्स ढूंढने के लिए हम जो ऑप्शन यूज़ करते हैं तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन ए ट्रेजर्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट वट इज़ द रोल ऑफ कंट्रोल वाई शॉर्टकट की इन एम एस वर्ड कंट्रोल वाई शॉर्टकट की प्रेस करने से एम एस वर्ड में क्या ऑपरेशंस होते हैं तो जो कॉप्शन ऑप्शन एट का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडू जैसे हमारे पास कंट्रोल प्लस जेड अंडू के लिए होता है एक स्टेप पीछे के लिए तो कंट्रोल प्लस वाई एक स्टेप आगे के लिए जो आपने एक स्टेप आगे किया है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन मूविंग द कर्सर टू द लास्ट सेल इन अ टेबल एंड प्रेसिंग डैश की विल अ न्यू रो टू द टेबल एक टेबल में सेल में अगर आप कौन सी की प्रेस करते हैं जिससे वो नए रो टेबल में एंटर हो जाता है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टैप की प्रेस करने से वो नई रो क्रिएट कर देता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन इन एम एस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी परफॉर्म यूजिंग रूलर रूलर से हम एम एस वर्ड में कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ द अब इसमें हम मार्जिन भी चेंज कर सकते हैं टैब भी सेट कर सकते हैं इंटेंट भी सेट कर सकते हैं तो ऑल ऑफ द अबव डी आंसर क्वेश्चन नंबर ग्यारह वट इज़ द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉप्ड वैन यूजिंग ड्रॉप कैप ऑप्शन इन एम एस वर्ड तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ग्यारह का ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर बारह प्रेसिंग डैश की थ्री टाइम सेलेक्ट द करंट सेंटेंस इन एमएस वर्ड एम एस वर्ड में जो क्वेश्चन एम एस वर्ड में जो डैश की तीन बार प्रेस करने से वर्तमान जो सेलेक्ट होगा जो करंट टेक्स्ट होगा सेंटेंस होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी एफ एट एफ एट एफ एट को तीन टाइम प्रेस करने से वो सेंटेंस हमारी सेलेक्ट हो जाएगी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन वट फीचर हेल्प्स यू टू इंसर्ट द कॉन्टेंट ऑफ द क्लिप बोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग इन एम एस वर्ड क्वेश्चन नंबर थर्टीन का जो करेक्ट रही सही आंसर है वो है पेस्ट स्पेशल ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट इनमें से पेज मार्जन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है पेज मार्जन के लिए तो अगर हम पेज मार्जन करते हैं तो यहाँ पर राइट right ऑप्शन भी हमारे पास होती है टॉप मार्जिन भी हमारे पास होती है कि हमने कितने टॉप से लेना है पेज मार्जिन भी होता है सेंटर ऑप्शन नहीं होता है तो हमारा जो राइट right आंसर हो जाएगा फोर्टीन का वो हो जाएगा सी चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर पेज क्वेश्चन uh, पूछा गया है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ऑप्शन किस में होते हैं पहला है पेज ओरिएंटेशन पेज साइज पेज लेआउट और पेज टाइप्स तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा क्योंकि पेज लेआउट के अंदर ही पेज ओरिएंटेशन होता है और पेज ओरिएंटेशन के हमारे पास दो ऑप्शन होती है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेक्शन ब्रेक इन एम एस वर्ड तो सिक्सटीन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रीवियस पेज क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इन एम एस वर्ल्ड द लिस्ट ऑफ रेसिपियंट्स इन मेल मर्ज इज़ नॉन एज तो ऑप्शन हमारे पास ए हो जाएगा डाटा सोर्स मेल मर्ज में जो हम एड्रेस uh, लेते हैं उस फाइल uh, को हम डाटा सोर्स के नाम से जानते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन विच ऑफ़ द वाइल्ड कार्ड दैट मैचेस वन और मोर अकरेंस ऑफ अ पैटर्न इन एम एस सर्च तो जो एटीन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी आप इसको एक बार देख भी सकते हैं इसमें मैं श्योर नहीं हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन व्हाट इज द शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड टू इंसर्ट अ मैनुअल लाइन ब्रेक क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी ट्वेंटी वट की कॉम्बिनेशन इज यूज टू मूव बैक टू प्रीवियस लेवल ऑफ नंबरिंग बुलेट्स इन तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा शिफ्ट प्लस टैब ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर नंबर का क्वेश्चन साइज आर जनरली मेजर्ड इन पॉइंट्स विच इज इक्वल टू डैश ऑफ एन इंच तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वन अपॉन सेवेंटी टू इंच क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वट इज़ द साइज ऑफ़ एन ए फोर पेपर शीट जो ए फोर पेपर शीट होती है जिसमें हम प्रिंट uh, आउट के लिए यूज होता है ऑफिशियली तो इसका साइज कितना होता है तो इसका ऑप्शन है हमारे पास सी टू टेन एम एम मल्टीप्लाई टू नाइन सेवन एम एम चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन कंप्यूटर कैन परफॉर्म कॉम्प्लैक्स कैलकुलेशन विथ द सेम विद द सेम स्पीड एंड एकसी फ्राम द स्टार्ट टिल द एंड विदाउट गेटिंग टाइड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ट्वेंटी थ्री का वो हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा सी सॉरी डेलीगेसी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलिंग इज कंसिडर्ड टू बी दर्ल्ड फर्स्ट कमर्शली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे को हमें जो कमर्शियली अवेलेबल हुआ था माइक्रो प्रोसेसर जो पहला वो हुआ था हमें इंटेल फोर डबल जीरो फोर तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द वर्ड एल्बोरिदम इज़ और फ्रॉम द ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नेम ऑफ द विच इस्लामिक स्कॉलर तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स हु इज़ द कंसिडर टू बी द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर किसे वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर कंसीडर किया जाता है तो हमारे पास ऑप्शन ए लेडी एडा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर टेक्नोलॉजी इज नोन एज टू पॉइंट फाइव जी तो ट्वेंटी सेवन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जी पी आर एस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट हु द फॉलोइंग इज़ फाउंडर ऑफ ट्विटर ट्विटर के फाउंडर कौन हैं तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा जैक डोरसे 29 नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो इनमें से कौन सा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्ज़न नहीं है हमारे पास विंडो 7 भी आया था विंडो 8 भी थी हमारे पास विंडो 10 भी था विंडो 9 नहीं था तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा 29 का ऑप्शन बी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 अब प्रोग्राम अ प्रोग्राम रिटर्न इन डैश जनरेशन प्रोग्राम लैंग्वेज इज पोर्टेबल सेकेंड जनरेशन में जो प्रोग्राम लिखे गए थे वो हमारे पोर्टेबल थे तो सही जो आंसर है इसका है ऑप्शन बी थर्टी का बी थर्टी वन विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंट इमेज एज अ सेट ऑफ बेसिक ड्राइंग शेप्स लाइक लाइन्स सर्कल एंड कर्व्स क्वेश्चन नंबर थर्टीन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी वैक्टर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस नहीं होता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी ये हमारी प्राइमरी <coughs> मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी नहीं होती जिसे हम रैम कहते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल गूगल के द्वारा जो क्लाउड स्टोरेज हमको प्रोवाइड की जाती है वो होती है गूगल ड्राइव क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर डेस्क एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर का आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेमरी कैपेसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो मेमरी कैपेसिटी है हमारे पास तो इसका जो राइट right आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा सी सबसे पहले मेगाबाइट फिर गीगाबाइट फिर टेराबाइट फिर पैटाबाइट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इनमें से किसने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लाया था स्टोर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थर्टी सिक्स का वो हो जाएगा ए जॉन वॉन न्यूमन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिप्लेसड वैक्यूम ट्यूब्स विद ट्रांजिस्टर हमें पता है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आया था उसको रिप्लेस किया था ट्रांजिस्टर में किस में सेकेंड जनरेशन में तो इसका थर्टी सेवन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर थर्टी एट द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाटा ऑन अ सी डी इज़ ऑल्सो नोन एज डैश डाटा टू द सी डी पहला है रोस्टिंग फ्राइंग बर्निंग एंड बेकिंग तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर बर्निंग सीडी में राइट करने को डाटा फिल करने को हम बर्निंग कहते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन विच रजिस्टर इज यूज एज अ वर्किंग एरिया इन सी पी यू तो थर्टी नाइन का जो करेक्ट आंसर है वो है एक्यूमुलेटर ऑप्शन ए वट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस ई ओ क्वेश्चन नंबर फोर्टी इसका है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन विच प्रोवाइड्स मोबाइल यूजर्स विद पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज ये मोस्टली सभी को मालूम है क्वेश्चन ऑप्शन सी जी पी एस विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैक्टर ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइसिस तो फोर्टी टू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लॉटर क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टूल इज मोस्ट सुइटेबल टू क्रिएट ब्रॉशर्स न्यूज लेटर एंड बुक्स तो हमारे पास फोटोशॉप पावर पॉइंट में ये काम नहीं होता पेज मेकर में नहीं होता तो कोरल रो हमारे इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फोर्टी थ्री का क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर फोर डेकोरेटिव लाइन्स एंड टैपर एडिड टू द बिगनिंग एंड और एंड ऑफ द लेटर स्टीम इज़ कॉल्ड क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेफ क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव द यूज़र आई डी ऑफ अ ट्विटर अकाउंट इज़ आल्सो नोन एज हैंडल ट्विटर हैंडल जैसे हम कहते हैं फोर्टी फाइव ऑप्शन बी फोर्टी फाइव का ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ क्यू आर कोड ये बिल्कुल ईजी है सभी को मालूम है क्विक रिस्पॉन्स जैसे हम क्यू का क्यू आर कोड कोड स्कैन करते हैं वो क्विक रिस्पॉन्स में पूरी डिटेल हमें शो कर देता है तो फोर्टी सिक्स का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन वट डज द लेटर सी डिनोट इन द दीपी करू तो यहां पर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी पी यू में सी का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सी पी यू इंस्ट्रक्शन साइकिल फोर्टी एट का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोड क्वेश्चन नंबर 49 नाइन अ सी कंसिस्ट ऑफ अ कंट्रोल यूनिट डैश एंड मेमोरी यूनिट कंट्रोल यूनिट लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट फोर्टी नाइन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी व्हिच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ हार्ड कॉपी ऑफ अ डिजिटल डॉक्यूमेंट अगर हमने कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाया है उसकी हार्ड कॉपी अगर हमें चाहिए तो हम उसका क्या करते हैं प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंटर थ्रू प्रिंटर हम क्या करते हैं इसे प्रिंट आउट निकालते हैं डिजिटल हार्ड कॉपी डिजिटल का हार्ड कॉपी में तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा फिफ्टी वन की तरफ बढ़ते हैं डायनेमिक रैम कंज्यूम्स डैश पावर एंड इज़ डैश एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक जो हमारे पास डायनेमिक रैम होता है वो लेस पावर सप्लाई करता है और थोड़ा स्लोअर होता है तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा फिफ्टी वन का क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू सी एम

दिस टेस्ट इज़ नोन एज जब स्टार्टिंग में कम्प्यूटर ऑन हो जाता है जब पावर दी जाती है तो वो चेक करता है कीबोर्ड रैम डिस्क ड्राइव एंड अदर हार्डवेयर इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं देखिए यहाँ थोड़ा कंफ्यू कन्फ्यूज़न है वैसे जो बेसिक जब सबसे पहले पावर दी जाती है तो पोस्ट जो हमारा पोस्ट कमांड होती है पोस्ट ऑपरेशन वो चलता है और बेसिक इनपुट आउटपुट जब वो कीबोर्ड माउस इसके बेसिक इनपुट आउटपुट चेक करता है तो चलता है बायोस इसे हम बायोस कहते हैं लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर पोस्ट सही बैठ रहा है फिफ्टी थ्री का वैसे बायोस भी चेक होता है बेसिक इनपुट आउटपुट चेक होते हैं जैसे यहाँ पर की बोर्ड लिखा है तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट में आ गए लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन इसका सही बैठता है आगे बैठते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर विच ऑफ अ सीरीज ऑफ रैम इंटीग्रेटेड सर्किट दैट कैन बी इंस्टॉल इन मदरबोर्ड्स मेमरी स्लॉट्स तो फिफ्टी फोर का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा a. 55, a हो जाएगा ऑप्शन ए डी डी आर रैम का ही ऑप्शन है ये डी आई एम एम फिफ्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर फिफ्टी फाइव का करेक्ट आंसर हो जाएगा इन जेट प्रिंटर ऑप्शन डी फिफ्टी सिक्स वट डज द लेटर एम स्टैंड फॉर इन सी एम वाई के कलर मॉडल तो यहाँ पर मजेंटा जो होगा वो एम स्टैंडस फॉर रहेगा ऑप्शन बी 58 58 फिफ्टी एट कैट फाइव कैट सिक्स एंड कैट सेवन आर टाइप ऑफ ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 58 का सी यू टी केबल के टाइप्स हैं क्वेश्चन नंबर 59 नाइन विच कनेक्टर आर यूज विद यूटी केबल तो ऑप्शन हमारे पास डी हो जाएगा आर 45 क्वेश्चन नंबर सिक्सटी विच लेयर एग्जिस्ट बिटवीन एप्लीकेशन एंड सेशन लेयर इन आई एस आई एस ओ ओ एस आई नेटवर्क रेफरेंस मॉडल नेटवर्किंग का क्वेश्चन से लिया गया है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर एस टी टी पी स्टैंड फॉर एस टी टी पी ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ नेटवर्क एस टी टी पी जो है वो कौन से लेयर पर काम करता है जो सिक्सटी वन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एप्लीकेशन लेयर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आई पी एड्रेसिस इज रिज़र्व फॉर प्राइवेट यूज़ एंड इज़ नॉट अलाउड टू बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस द इंटरनेट यहाँ पर हमारे पास आई पी एड्रेसिस की नेटवर्किंग क्लासेज होती हैं क्लास ए क्लास बी सी डी और ई e, जो क्लास ई e है वो रिजर्व uh, है uh, इस क्वेश्चन के इस क्वेश्चन का आंसर श्योर नहीं हूँ ये आप अगर किसी को मालूम है तो कमेंट करके कर ज़रूर बताएं नेक्स्ट है. चलते हैं जी एस एम एल टी ई सी डी एम ए आर विच टेक्नोलॉजी तो सिक्सटी थ्री का आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए सेलुलर सिक्सटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन सिस्टम इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स तो जो लाइन एक्स है हमारे पास ये फ्री एंड ओपन सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव अब प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं प्रोसेस कहते हैं ठीक है ऑप्शन बी 66. When a अ फाइल इज़ in इन विंडो इट इज़ मूव टू हम सभी को मालूम है जब हम विंडो पे काम करते हैं कोई फाइल हम डिलीट करते हैं वो कहाँ चली जाती है रिसाइकल बिन में तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 67. सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स इज़ नॉट अलाउड इन अ फाइल नेम इन विंडो यहाँ पर जब हम किसी फाइल को नाम को सेव करते हैं तो इनमें से कौन सा करैक्टर है जो अलाउड नहीं है सिक्सटी सेवन का तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉलर अगर आ, किसी को श्योर है तो आप इसमें कमेंट करके भी बता सकते हैं वैसे यहाँ पर जो दिए गए हैं इनमें से दो तीन ऑप्शन हैं जो हम फाइल नेम नहीं दे सकते सिक्सटी एट वट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन रन डायलॉग इन अ विंडो रन डायलॉग ओपन करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस आर तो ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी सिक्सटी नाइन क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इज़ द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउजर इन विंडो 10 फ्रेश इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन तो क्रोम सफारी हमारे पास मैक का रहता है मोजिला क्रोम नहीं है तो एच जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 69 का सी क्वेश्चन नंबर 70 व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रन स्निप एंड स्केच टूल इन विंडो 10 तो 70 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर शिफ्ट प्लस विंडो प्लस एस वैसे यहाँ पर विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस हो सकता है लेकिन क्योंकि ये तीनों कॉम्बिनेशन है तो इसी ये राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन विच कमांड इन विंडो टेन प्रोवाइड्स ऑप्शन टू मैनेज यूर कंप्यूटर ड्राइव्स तो यहाँ पर ऑप्शन बी डिस्क पार्ट आपका सही हो जाएगा सेवनटी का बी सेवेंटी टू विच कमांड इन विंडो टेन डिस्प्ले आई एड्रेस सबनेट मास्क एंड डिफॉल्ट गेट फॉर ऑल नेटवर्क डेप्टर्स 72 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए आई पी कन्फिक सॉरी सेवेंटी थ्री विच फीचर्स ऑफ विंडो टेन अलाउ द यूजर टू क्विकली मिनिमाइज ऑल ओपन विंडो एक्सेप्ट द एक्टिव वंस तो सेवेंटी थ्री का जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेक अगर आप जो विंडो ओपन है उसको क्लिक करके शेक करते हैं तो सारे विंडो क्लोज हो जाएंगे सिर्फ वही एक्टिव रहेगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। फोर वट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज द एक्टिव एप्लीकेशन विंडो विंडो इन विंडो टेन तो सेवेंटी फोर का जो सही आंसर है ऑप्शन ए ऑल प्लस एफ फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ट इन स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट तो यहाँ पर टाइटल टाइटल एंड कॉन्टेंट कंपैरिजन तो यहाँ पर जो समरी सेवनटी फाइव का ऑप्शन ए ये ऑप्शन नहीं होता है सेवनटी सिक्स स्लाइड डैश आर द विजुअल इफेक्ट दैट अपीयर्स एज वन स्लाइड चेंज टू अनदर एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में चेंज होने के लिए हम ट्रांजिशन यूज़ करते हैं ट्रांजिशन तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सेवनटी सिक्स का सी क्वेश्चन नंबर सेवनटी सेवन है विच ऑफ द विजुअल इफेक्ट दैट इज एडिट टू टैक्स एंड ग्राफिक ऑन द स्लाइड रादर देन टू द स्लाइड इट सेल्फ तो हम यहाँ पर क्या करते हैं एनिमेशन एक स्लाइड में इफेक्ट्स uh, जो यूज़ होते हैं उनमें हम एनिमेशन कहते हैं और एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के लिए हम उसे क्या कहते हैं ट्रांजिशन तो सेवनटी सेवन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग कीज़ मस्ट बी प्रेस्ड वाइल ड्राॅइंग ओवल टू मेक अ परफेक्ट सर्कल इन एम एस पावर पॉइंट एम एस पावर पॉइंट में एक परफेक्ट ओवल शेप हमें ड्रॉ करना है तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करते हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सेवेंटी एट का डी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन वैन यू क्लिक अ प्लेस होल्डर और एन ऑब्जेक्ट इन एम एस पावर पॉइंट डैश साइजिंग हैंडल अपेयर अराउंड इट मतलब अगर एक पावर पॉइंट में एक इमेज है अगर आप उस, उस पर क्लिक करते हैं तो जो हमारे पास मिनिमम जो है मिनिमम मतलब जो पॉइंट्स क्रिएट होते हैं हमारे पास साइजिंग के लिए वो हैंडल अपेयर हो जाते हैं आठ ऑप्शन ए एटी क्वेश्चन नंबर एटी अ पावर पॉइंट डैश इज़ अ पैटर्न और ब्लू प्रिंट ऑफ अ स्लाइड और ग्रुप ऑफ स्लाइड्स दैट इज सेव्ड एज अ डॉट पी ओ टी एक्स फाइल क्वेश्चन नंबर एटी का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेम्पलेट्स क्वेश्चन नंबर एटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अर ट्रांजिशन इफेक्ट इन पावर पॉइंट तो हमारे पास एटी वन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ड्रॉप कैप क्वेश्चन नंबर एटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सी पी यू डिपेंडेंट तो क्वेश्चन नंबर एटी टू का जो सही आंसर है ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो सीपी यू डिपेंड होता है उस पर क्वेश्चन नंबर एटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें से स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मीडिया प्लेयर ये भी एप्लीकेशन है कंपाइलर कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं क्वेश्चन नंबर एटी फोर विच एरर इन अ प्रोग्राम लीड्स टू अनडिजायर और इनकरेक्ट आउटपुट कोई प्रोग्राम आउटपुट तो देगा लेकिन डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं देगा तो वो वो कौन से एरर होते हैं वो होते हैं लॉजिकल वो होते हैं हमारे पास लॉजिकल एरर रन टाइम सीमेंटिक और सेंटेक्स एरर में प्रोग्राम हमारा आउटपुट नहीं देता है क्वेश्चन नंबर एटी फाइव विच ऑफ़ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन तो यहाँ पर एटी फाइव का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन एम एस ऑफिस एटी सिक्स विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू ओपन आ पी डी एफ़ फ़ाइल इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो पी डी एफ ओपन करने के लिए ज़रूरी होता है रिक्वायर्ड तो यहाँ पर एडोप रेडर जो हम सभी जानते हैं क्वेश्चन थोड़ी जल्दी पढ़े जा रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी आंसर को डिस्कस किया जा सके वट इज़ द एड्रेस ऑफ द सेल एट रो ट्वेंटी फाइव एंड कॉलम थर्टी ऑफ एंड एक्सेल वर्कशीट ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जब तक इनके प्रैक्टिकल नहीं होंगे ये आंसर हम करेक्ट नहीं दे सकते तो इसका जो 87 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी ए डी ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर 88 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन एम एस एक्सल इसमें सेल एड्रेस कौन सा वैलिड एड्रेस नहीं है देखिए यहाँ पर ए है यहाँ पर ए है इस तरीके से भी लिखा जा सकता है यहाँ पर जो हमारे पास है वो दोनों ही ए और जी है जबकि हमारे पास कॉलम्स रोज़ में वन टू सीरीज़ बनी होती है यहाँ पर डिजिट्स में होना ज़रूरी है तो ऑप्शन 88 का डी 89. नाइन हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन अ सेल रेंज बी टू कॉलन एफ ट्वेल्व इन एम एस एक्स एम एस एक्सएल में बी ट्वेल्व से एफ़ ट्वेल्व भी अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो कितने सेल्स आते हैं तो इसके आते हैं टोटल 89 के 89 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 55. 55 सेल्स इस रेंज के अंदर आते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोलेट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा हम एब्सोल्यूट सेल एड्रेस इस तरीके से देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वट विल बी द वैल्यू ऑफ सेल कंटेनिंग द फार्मूला गिवन बिलो ये जो फार्मूला दिया गया है अगर हम इसको ये फार्मूला एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू वट विल यू द एड्रेस ऑफ द सेल रेंज फ्रॉम ए थ्री टू जी फाइव इन एम एस एक्सेल तो नाइन्टी टू का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थ्री कॉलन जी फाइव नाइन्टी थ्री है कंसिडर द फॉलोइंग डाटा इन एम एस एक्सएल वर्कशीट है यहाँ पर हमारे पास एक वर्कशीट दी गई है जहाँ पर ये आ, ये बताता है कि अगर हम ये फार्मूला इक्वल टू काउंट ए लगाते हैं और ए वन टू डी फाइव मतलब ए वन टू डी फाइव यहाँ तक ये यह पूरे एड्रेस को देते हैं तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा ऑप्शन नाइन्टी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री का ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए आंसर ऑप्शन ए हमारा जो होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर जो वैल्यू दी गई होगी ये उन्हीं को कंसिडर करेगा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर विच आर द फॉलोइंग इज द एम एस एक्सएल फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ अ नॉन एम पी डी सेल इन अवन रेंज एम एस एक्सएल में जो काउंट फंक्शन है इसमें नॉन एमपीडी सेल को वो रेंज को काउंट नहीं करता जो पिछला नाइन्टी थ्री था तो हमारे पास जो राइट right आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइन्टी फोर का ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव हाउ मेनी वर्कशीट आर प्रेजेंट इन एन एक्सेल वर्क बुक बाई डिफ़ॉल्ट एक एक एक्सेल जब हम ओपन करते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट कितनी शीट्स ओपन होती है मतलब एक वर्क बुक में कितनी शीट्स ओपन होती है तो बेसिक्स है ये बिल्कुल ऑप्शन ए 90 नाइन्टी फाइव का जो करेक्ट आंसर होगा ए तीन वर्कशीट होती है हम इसे ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं नाइन्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट एम एस एक्सेल डिफॉल्ट सेल अलाइनमेंट यहाँ पर जो ऑप्शन दी गई है पहला ऑप्शन बताता है बोथ टेक्स्ट एंड नंबर आर अलाइनमेंट बोथ टेक्स्ट और नंबर हम लिखेंगे वो लेफ्ट अलाइन होते हैं सेकंड बताता है जो भी टेक्स्ट और नंबर हम लिखेंगे दोनों राइट अलाइनमेंट होती है जबकि ऐसा होता है जो हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है वो राइट right होती है और जो नंबर होते हैं हमारे वो लेफ्ट होते हैं तो नाइन्टी का जो सही आंसर हो जाएगा सॉरी ऑप्शन डी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होती है वो लेफ्ट होती है और जो नंबर अलाइनमेंट होती है वो राइट right होती है क्वेश्चन नंबर 97। सेवन वट विल द वैल्यू रिटर्न बाय द फार्मूला डबल इक्वल टू वर्क डे वन वन टू ये जो फार्मूला दिया गया है तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा 97 का डी 98। रोटेटिंग द डाटा फ्रॉम रो टू कॉलम और वाइस वर्सा इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन तो इसका ट्रांसपोजिशन तो 98 का ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे पास 99. नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ चार्ट टाइप सपोर्टेड बाई एम एस एक्सएल तो यहाँ पर एरिया चार्ट है स्कैटर प्लॉट है वॉल्यूम चार्ट है और लाइन uh, चार्ट है तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 99 का हमारे पास एरिया चार्ट स्कैटर भी होता है वॉल्यूम चार्ट ऑप्शन में नहीं होता है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड Which of द फॉलोइंग फीचर्स इन MS Excel lets लेट्स यू रिकॉर्ड अ सीक्वेंस ऑफ and play एंड प्ले दैम अगेन रिक्वायर्ड तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्रो मैक्रो वो फीचर है जिसमें हम टाइप करते हैं वो रिकॉर्ड करता जाता है और एक पर्टिकुलर एक, एक, एक कमांड पर वो रिकॉर्ड कर देते हैं जैसे हम कमांड रन करते हैं वो मल्टीपल जो हमने टाइप किए थे उनको पेस्ट कर देता है हमारे वर्ड फाइल में वन जीरो वन विच ऑफ द फॉलोइंग आई पी एड्रेस इज नोन एज लूप बैक एड्रेस तो वन जीरो वन का सही आंसर है ऑप्शन बी वन टू सेवन पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो वन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन जीरो टू एक सौ दो विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज फॉर मैपिंग आई पी वी फोर एड्रेस टू मीडिया एक्सेस कंट्रोल जिसे मैक एड्रेस भी बोलते हैं तो वन जीरो टू का जो करेक्ट आंसर है वो है सी ए आर पी क्वेश्चन नंबर वन जीरो थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड लोकल आई पी वी फोर एड्रेसेज इसमें से लोकल आई पी वी एड्रेस नहीं है तो वन जीरो थ्री का जो सही आंसर हो जाएगा सी क्योंकि जो रेंज होती है हमारे पास वो होती है टू फाइव फाइव तक और जो यहाँ रेंज है वो जो हमारे पास रेंज दी गई है वो दी गई है दो सौ साठ की तो ये Uh, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 103 का हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर 104 जीरो फोर विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड मेक अस टू आई सी एम पी मैसेजेज टू टेस्ट द रिजेबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफाइड कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क इसका जो सही आंसर हो जाएगा 104 का हो जाएगा ऑप्शन सी 105 का जो ऑप्शन राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 106 इसका जो राइट right आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर वन जीरो सेवन वन जीरो सेवन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वन जीरो एट विच इज़ अ मालवेयर लुक दैट लुक लाइक दैट अ जेन्यून एप्लीकेशन टू द यूज़र वन जीरो एट का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स ऑप्शन बी वन जीरो नाइन वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टी सी पी आई पी कंट्रोल टी सी पी आई पी ये हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल इंटरनेट प्रोटोकॉल तो वन जीरो नाइन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वन ज़ीरो टेन इसका राइट right आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी वन वन डबल वन एक सौ ग्यारह का जो राइट right आंसर है हमारे पास वर्ल्ड डब्ल्यू 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 फादर किसे फादर ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू कहते हैं हम टीम बर्नर ली को ऑप्शन ए एक सौ ग्यारह का ए बारह एक सौ बारह विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो हमारे पास जो विन्जिप फाइल है ये फाइल uh, को क्या करती है कंप्रेस uh, करती है वन वन थ्री विच ऑफ द कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट दैट स्विच इज़ वन ऑफ सेवरल इनपुट लाइंस थ्रू टू अ सिंगल कॉमन आउटपुट लाइंस तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लेक्सर वन वन थ्री का जो राइट आंसर right होगा ऑप्शन डी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए क्वेश्चन नंबर पढ़कर कुछ के आंसर में सीधे ही ऑप्शन टिक मार करेंगे हम एक सौ चौदह विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट टैग यूज़ टू ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइन हॉजेंटल लाइन करने के लिए हम एच आर का लाइन यूज़ करते हैं ऑप्शन बी वन ज़ीरो फाइव हाउ लेवल्स आर सपोर्टेड बाई एस्टिमेल तो एच वन से एच सिक्स तक ऑप्शन बी एक सौ सोलह विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट टैग यू यूज़ टू क्रिएट सेल इन अ टेबल रो तो हमारे पास पी डी ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 17 विच आर द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ इमेज एच एम एल एलिमेंट यूज टू स्पेसिफाई योर इमेज एक इमेज इंसर्ट करने के लिए इमेज के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास एस आर सी सोर्स फाइल ऑप्शन ए एक सौ सत्रह का ए क्वेश्चन नंबर एक सौ अठारह वन वन एट हाउ एन इन लाइन सी एस एस इज़ यूज इज़ एन एस टी डॉक्यूमेंट एक इन लाइन सी एस एस कैसे यूज़ किया जाता है तो क्वेश्चन नंबर वन वन एट का जो सही आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन बी स्टाइल टैग के थ्रू इन लाइन इंटरनल और एक्सटर्नल तीन टाइप के हम सी एस एस यूज़ करते हैं एस टी एम एल में नेक्स्ट है हमारे पास वन वन नाइन वट इज़ द करेक्ट सी एस एस रूल टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एच वन एलिमेंट टू रेड यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए अंदर बिल्कुल सही दिए गए हैं यहाँ पर जो ऑप्शन ए है एच वन यही सही होगा डॉट एच वन गलत है हैश क्लास के लिए यूज होता है और टैग हम स्टाइल में यूज़ नहीं करते तो राइट आंसर इज़ वन वन नाइन का ऑप्शन ए एक सौ बीस विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट टैग इज़ यूज टू क्रिएट एन हाइपर लिंक इन अ वेब पेज वन ट्वेंटी का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए एंकर टैग के थ्रू हम क्या करते हैं एक हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं एंकर टैग के अंदर ही इसका ही एट्रीब्यूट आता है हमारे पास एच आर ई एफ -E लेकिन ये ऑप्शन गलत है एच आर ई एफ टैग नहीं है ये इसका एट्रीब्यूट है एंकर टैग का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इन एनालॉग कंप्यूटर यहाँ पर लिखा है इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड डिजिटल फॉर्म इनपुट इज न कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म तो वन टू वन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आउटपुट इज डिप्लॉयड इन डिप्लेड इन डिजिटल फॉर्म एनालॉग को हम डिस्प्ले में शो uh, करते हैं वन टू वन का ऑप्शन सी ओनली टू सॉरी सॉरी इसका जो वन टू वन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए बी और सी दिया गया है तो ओनली टू इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म क्योंकि ये एनालॉग है तो इनपुट जो एनालॉग में होगा उसको हम कन्वर्टेड डिजिटल फॉर्म में नहीं करते हैं वन डबल टू वट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लॉजिकल यूनिट इन अ सी पी यू ऑफ अ कंप्यूटर तो वन डबल टू का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी टू कंपेयर डाटा वन टू थ्री क्वेश्चन नंबर एक सौ तेईस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकोगशन

वन ट्वेंटी सिक्स सेकेंडरी स्टोरेज डज़ नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट पावर यूज़ मैग्नेटिक मीडिया स्टोरेज इंफॉर्मेशन फॉर लेटर लेटरेटरेबल नन ऑफ द अब तो वन ट्वेंटी सिक्स का आंसर हो जाएगा हमारे पास रिक्वायर ऑप्शन ए रिक्वायर कॉन्सटेंट पावर हमें कॉन्स्टेंट पावर की जरूरत नहीं होती सेकेंडरी मेमरी के लिए वन ट्वेंटी सेवन कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू इट्स डेसीमल नंबर तो यहाँ पर जो हमारे पास बाइनरी नंबर दे गया वन ज़ीरो जीरो वन जीरो वन जीरो ये किस डेसिमल नंबर के इक्वलेंट होगा तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेवेंटी फोर वन ट्वेंटी एट विच ऑफ द कलेक्शन ऑफ अ सिस्टम प्रोग्राम दैट टुगेदर कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम वन ट्वेंटी एट का ऑप्शन ए हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी नाइन विच इज़ अ क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज लैंग्वेज को हम लो लैंग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं बाकी सी प्लस प्लस को बोल हमारे हाई लेवल लैंग्वेज है क्वेश्चन नंबर वन थर्टी वैन यू इंस्टॉल अ न्यू प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर इट इज़ टिपिकली एडिट टू द ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन थ्री का ऑप्शन 130 का जो राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 131 थर्टी वन विच टर्म्स इज़ यूज इन एम एस वर्ड टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ करेक्टिंग समथिंग 131 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एडिट क्वेश्चन नंबर 132 थर्टी टू बाई डिफॉल्ट सेल कॉन्टेंट अलाइनमेंट इन एम एस एक्सएल एज़ वन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेक्स्ट अलाइनमेंट अलाइन एंड नंबर राइट right अलाइनमेंट जो हमारा टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है एम एस एक्सएल में जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन और भी आया था जो नंबर होता है वो राइट right अलाइनमेंट होता है बाय डिफॉल्ट 133 थर्टी थ्री अ फाइल विच कंटेन रेडीमेड स्टाइल स्लाइड दैट कैन बी यूज फॉर अ प्रजेंटेशन इन एम एस पावर पॉइंट इज कॉल्ड तो इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन डी टैम्पलेट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर वन थर्टी फोर इन एम इन डी बी एम एस विच लेवल ऑफ एस्ट्रैक्शन डिस्क्राइब हाउ डाटा इज स्टोर तो फिजिकल लेवल में हमें ये पता लगता है कि डाटा किस तरीके से स्टोर होना है 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 135. थर्टी फाइव द इंटरेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ डाटा विदिन अ टाइम शेयरिंग सिस्टम मे बी बेस्ट सीटेड टू वन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाफ डुप्लेक्स वन थर्टी सिक्स पर्सनल लॉग्स और जनरल एंट्री पोस्टेड ऑन अ वेब आर नोन एज ब्लॉग्स हम अपने जो पर्सनल एंट्रीज पर्सनल टैक्स जो विचार होते हैं हम कहाँ पोस्ट करते हैं ब्लॉग्स में अपने पर्सनल ब्लॉग क्रिएट करके हम लिख सकते हैं वन थर्टी सेवन वाम्स नॉर्मली मूव अराउंड एंड इफेक्ट अदर मशीन थ्रू जो वाम्स होते हैं वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं अदर मशीन को क्योंकि नेटवर्क के थ्रू हमारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा बी 137 का ऑप्शन बी कंप्यूटर नेटवर्क 138 थर्टी एट नैंड एन ए एन डी से नैंड नैंड गेट्स कैन बी यूज टू परफॉर्म विच टाइप ऑफ ऑपरेशन नैंड में और भी इंक्लूड है नॉट भी इंक्लूड है और एंड भी इंक्लूड है तो 130 का आंसर हो जाएगा डी आंसर ऑल ऑफ द अब वन थर्टी नाइन द कंपाइलर कन्वर्ट्स your सी सी प्लस प्लस इंस्ट्रक्शन code. 139 ऑब्जेक्ट कोड का ऑप्शन हो जाएगा uh, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट कोड चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140। ये कंप्यूटर सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है एम एस टॉस स्पोर्ट्स फाइल नेम्स अप टू डैश करेक्टर इन लैं तो वन इसका जो राइट right आंसर हो जाएगा एट तो ये थे कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चंस कुछ एक बीच में जो जिनके मुझे नहीं मालूम है आप कमेंट कर कर बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें थैंक यू